हरि ओम ओम मन सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः। मेरा नाम पंकज सिंह मेहता है, मैं बम्बई में रहता हूँ और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं जॉइंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। मित्रों, मैं प्रथम बार फरवरी 2000 में मैंने बापू के दर्शन किए, उसके पश्चात बापू ने अपने चरणों में मुझे पनाह दे दी और जीवन अतिशय आनंदमय और सुखकर हो गया। बापू के पास आने के बाद जीवन में उनकी कृपा के अनेक अनुभव आए, उसी में से एक अनुभव मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। एक दोहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस दोहे का साक्षात अनुभव जो बापू ने मुझे करवाया, वही मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। मैं बम्बई में रहता हूँ, मैंने कहा, जैसे मेरा ससुराल बड़ौदा में है। जून 2001 साल की बात है, मुझे बड़ौदा से मेरे साढ़ू भाई अनुराग भाई पटेल का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र हैं ध्रुव भाई पटेल, जिनकी भावनगर में फैक्ट्री है जो वो बेचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए अगर कोई आपके जानकारी में आदमी हो, कोई ग्राहक हो जिसको खरीदनी हो तो बताएं। मैंने कहा उसका फैक्ट्री तो देखनी पड़ेगी पहले, तो उन्होंने कहा वो भी यही चाहते हैं कि आप एक बार फैक्ट्री देख लो। मैंने कहा ठीक है, शनिचर और इतवार के दिन मुझे छुट्टी होती है, तो शुक्रवार को एक दिन बड़ौदा एक्सप्रेस में बम्बई से बैठ के मैं शनिचर को बड़ौदा आ जाऊंगा, वहाँ से भावनगर चलेंगे और फैक्ट्री देख के वापस आ जाएंगे और मैं सोमवार को बम्बई आ जाऊँगा। तो ये तय हो गया कि शनिचर के दिन मैं बड़ौदा पहुँचूँगा। तो 8 जून को शुक्रवार की रात थी, तो उस दिन के टिकट निकाल ली और मैं 9 जून को शनिचर को सवेरे बड़ौदा पहुंच गया। स्टेशन पर खुद धीरूभाई और अनुराग भाई पटेल मुझे लेने आए थे। स्टेशन से हम सीधे धीरूभाई के दोस्त के यहाँ गए, वहाँ चाय और नाश्ता सब किया। उसके बाद शनिचर था तो मेरे साढ़ू भाई को छुट्टी नहीं थी, वो स्टेट बैंक में नौकरी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भावनगर हो आइए, मुझे तो आज नौकरी पर जाना है। तो धीरू भाई और उनके 3 मित्र और मैं, ऐसे 5 लोग हम जेन गाड़ी में लगभग 11 बजे के करीब भावनगर जाने को निकले। 4.5 घंटे का रास्ता है, लगभग 4:30 बजे तक हम पहुंच गए वहां पे भावनगर। फैक्ट्री पे मुझे उतार के धीरू भाई ने कहा कि मुझे थोड़ा काम है गांव में, कुछ लोगों से मिलना है, तो मैं भावनगर गाँव में मिल के आता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फैक्ट्री पे ही रुक गया। वो गांव में लोगों से मिलने गए, मैंने फैक्ट्री का मुआयना कर लिया। धीरू भाई को आने में थोड़ी सी देर हो गई, लगभग 9:30 बजे धीरू भाई वापस आए। फिर खाना वगैरह लगाया गया, खाना होते होते हमको 11:30 हो गए। अब इतनी देरी हो गई तो मैंने धीरू भाई से विनती की कि ऐसा करते हैं, यहीं पे कहीं होटल में रुक जाते हैं आज की रात, कल सवेरे बड़ौदा के लिए निकलेंगे। तो धीरू भाई बोले कि मैं बहुत ही बढ़िया ड्राइवर हूँ, आपको मेरी ड्राइविंग का पता नहीं है, मैं 3.5 घंटे में आपको आपके ससुराल बड़ौदा पहुँचा दूंगा। अब मैंने भी कोई ज्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है निकल लेते हैं। फिर वही 5 लोग हम लोग जेन गाड़ी में बैठे और लगभग 12 बजे के करीब भावनगर से निकल लिए। अगर भावनगर शहर किसी ने देखा तो भावनगर शहर के बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है और लगभग 9 किलोमीटर तक दोनों तरफ रास्ते के नमक के खेत हैं, नमक के आगर हैं, कोई बस्ती नहीं है, कोई गाँव नहीं है, बस नमक के खेत ही खेत। अब हम निकल लिए गाड़ी से, अंधेरा था, खाना भी खाया था तो नींद सी आ गई, मैं सो गया, ड्राइवर के बाजू में बैठा था। लगभग 20-25 मिनट गाड़ी चली होगी और जोर से धड़ाम करके आवाज आया, तो इस धमाके की आवाज से मैं थोड़ा सा जाग गया। मैंने देखा कि लोग बाहर चिल्ला रहे हैं और ध्यान से देखा तो मुझे बाहर खींच रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो धीरू भाई बोले कि अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने बोला किसको लगा है, बोला आपको ही लगा है। तो मुझे जैसे तैसे बाहर निकाला। अब वो लोग बोले कि मुझे लगा है, तो देखने के लिए कि कितना लगा है, तो मैंने ऐसा सर झुका के मेरे बदन की ओर देखा तो जैसे नल खोल के पानी की धारा बहती है, वैसे मेरे माथे पे से खून की धारा बहने लगी और 5 से 6 सेकंड में मेरा पूरा शर्ट लाल हो गया। मैं बहुत ही घबरा गया क्योंकि मैं ऐसा तो कभी मैंने कुछ देखा ही नहीं था। तो मैंने तुरंत वो दबाने की कोशिश की ताकि वहां से खून ना निकले, उस जख्म को दबाने की कोशिश की, तो पता चला कि
मेरे सारे मुंह पे छोटे 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 कांच के टुकड़े घुस गए हैं, और वो अगर मैं दबाने जाऊं ताकि खून ना निकले तो कांच के टुकड़े और अंदर चले जाएंगे। हुआ यूं था कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, तो एक रुका हुआ ट्रक उसे दिखा नहीं और उसने उस ट्रक को जाके टक्कर कर मार दी थी। और वो जब टक्कर हुई तो गाड़ी के जो आगे वाला जो शीशा होता है, वो कांच होता है, वो पूरा का पूरा मेरे मुंह पे फट गया था। अब वो सुनसान रास्ते पे रात को 12:30 बजे के करीब हम 5 ही लोग थे, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अब ऐसा लगने लगा कि अब मौत बिल्कुल करीब आ गई है, जैसे मानो मौत दस्तक दे रही हो। बहुत ही घबरा गया। मेरे जेब में मैं बापूजी का फोटो हमेशा रखता हूँ, मैंने उस फोटो को निकाला और मैं भीख मांगने वाला था कि बापू मेरी जान बचा लीजिए। तुरंत मुझे पता नहीं क्यों 2 गुरुवार पहले के बापू का प्रवचन याद आ गया, जिसमें बापू ने कहा था कि सदगुरु से कभी भीख नहीं मांगना, भगवान से कोई भीख नहीं मांगना। बेटा बाप के पास भीख नहीं मांगता है, वो हक से मांगता है, उस हक से मांगो, कहो कि ये मेरी तेरी बेटी है, तुझे ही शादी करानी पड़ेगी, वो कराएगा, इस हक से मांगो। अब ये सारे विचार लिए मैं उस सुनसान रास्ते पे अंधेरे में रात के लगभग 12:30 बजे खड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था उस फोटो को देख के कहूं भी या ना कहूं कि मुझे बचा लीजिए। मैंने इतना ही कहा कि पत्नी और बेटा बंबई में है, जो ठीक लगे वो करो। ऐसा करके मैंने फोटो फिर जेब में रख दिया। लेकिन सच कहूं तो कहीं ऐसा लग रहा था कि मौत लगभग निश्चित है, क्योंकि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हम लोग 5 लोग थे, गाड़ी टूटी हुई थी। ये सोच ही रहा था कि जैसे फोटो रखा और 6 से 7 सेकंड में पीछे से एक मारुति 800 कार आई, जिसमें 3 जवान लड़के थे। उसमें से एक जोर से चिल्लाया, अरे अपने बड़ौदा की गाड़ी है, देखो एक्सीडेंट हो गया, अपने बड़ौदा की गाड़ी है। उन्होंने गाड़ी रुकाई, बाहर आए और पूछा कि अरे किसी को कुछ लगा है क्या? तो इन लोगों ने कहा कि हाँ ये दोनों को लगा है, मुझे तो बहुत ही मार लगा था और ड्राइवर को से थोड़ी सी हाथ पे खरोंच आई थी। बोला हाँ बिठाइए बिठाइए, इनको हम अस्पताल ले जाते हैं। अब हमें उन्होंने बिठाया और निकल लिए। जैसे मैंने कहा कि 6-7 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नमक के खेत हैं। उसके बाद एक आध गाँव दिखे, उसमें जाए पता चले वहाँ दवाखाना नहीं है, फिर दूसरे गाँव जाए, ऐसे करते 4-5 गाँव में जाने के बाद एक गाँव दिखा जिसका प्रवेश द्वार काफ़ी अच्छा था। उस गाँव का नाम था अदेलाई। उसमें ले गए, रात को 1:15 बजे लोगों का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कहा यहाँ दवाखाना है। उन्होंने दवाखाना कहाँ है बताया, मुझे ले गए वहाँ दवाखाने के बाहर बरामदे में बैठाया और वो डॉक्टर को लाने निकल गए गांव में। वो जवान लड़के डॉक्टर को लेके आया, डॉक्टर अपने एक साथी के साथ आया। उन्होंने डॉक्टर से मेरी पहचान कराई कि भाई इनका इलाज करना है, मुझे बोले कि ये डॉक्टर साहब हैं, और वो लड़के लोग तो निकल गए। डॉक्टर ने अपने साथी से क्लिनिक का दरवाजा खोलने के लिए कहा, दवाखाने का। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे लेके वो क्लिनिक के अंदर गए। अब वहाँ लाइट भी बहुत धुंधली सी थी, तो डॉक्टर के जो साथी थे उन्होंने मेरे मुंह पे टॉर्च मारी बैटरी, और जो डॉक्टर साहब थे मेरे से बात करने लगे, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, शादी हुई या नहीं, ऐसे करके वो अपने औजार से मेरे कांच निकालने लगे। लगभग 10 से 12 मिनट तक वो मेरे मुंह पे कांच ही निकाल रहे थे। और उनका जो साथी मित्र था, दोस्त था, जो भी था, मतलब वो भी एक लगभग डॉक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि वो उससे कुछ नहीं मांगते थे, सिर्फ हाथ आगे करते थे। वो उनको रुई और कैंची और सोफ्रामाइसिन या जो भी टाँके देने वो दे रहा था और वो काम कर रहे थे। 15-20 मिनट मेरा इलाज करने के बाद उन्होंने मेरे मुंह पे टाँके लिए। मेरे मुंह पे 18 टाँके हैं। मेरे सदगुरु की कृपा है कि वो टाँके आज दिख नहीं रहे। टाँके लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब तू बच गया। अब मैं भी क्या कहता, मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर। तो मुझे वो बोले कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। मैं बोला, मैंने उनके साथी की तरफ अंगुली निर्देश करते हुए पूछा, अच्छा तो ये डॉक्टर हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये और मैं हमेशा साथ रहते हैं। तो मैंने कहा तो फिर डॉक्टर कौन है? तो वो बोले कि मेरे डॉक्टर तो मेरा भाई है। बोले तो वो कहाँ है? बोले वो तो भावनगर में होता है। बोले तो फिर ये दवाखाना किसके लिए खोल के रखा है? बोला तेरे जैसे एक्सीडेंट करते हैं इसलिए ये दवाखाना खोल के रखा है।
मैं बहुत ही अचरज हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। मैं बोला ठीक है, जान बच गई, लाखों पाए। तो फिर मुझे पूछे कि अब कहाँ जाओगे। मैंने कहा बड़ौदा जाऊंगा। तो बोले कैसे जाओगे। मैंने हाईवे पे गाड़ी मंगाई है भावनगर से। अब दूसरा कोई डॉक्टर होता तो जैसे कि भाई इलाज किया, पैसे लिए, चलो भाई आप निकलो। लेकिन वो मुझे बोले कि अच्छा हाईवे पे, तो चलो मैं तुम्हें हाईवे छोड़ने आता हूँ। अपनी गाड़ी निकाल के वो और उनका दोस्त मुझे बिठा के हाईवे तक ले आए। वहाँ धीरू भाई वगैरह सब वहाँ ऑलरेडी आ चुके थे और भावनगर से गाड़ी भी आ चुकी थी। तो अब चूंकि हम लोग 5 लोग थे तो उन्होंने कहा कि दूसरी गाड़ी मंगाता हूँ, आप इस गाड़ी से बड़ौदा के लिए निकल लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गाड़ी में बैठा तो जूं ही गाड़ी चालू होने वाली थी तो वो जो डॉक्टर थे या नहीं थे वो आए और मेरी खिड़की के पास आके मुझे ऐसा करके बोलते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैंने कहा थैंक यू सर। इतना बोल के मैं निकल लिया। लगभग 6:30 बजे तक मैं बड़ौदा पहुंचा। वहां मेरे साले साहब मुझे लेने आए थे, धर्मेंद्र शाह उनका नाम है। मैंने बाहर निकल के गाड़ी से उनसे कहा कि यार ये एक्सीडेंट हो गया। बोले हाँ मुझे फोन आया, मुझे पता चल गया, इसलिए आपको लेने आया हूँ। और मैंने कहा यहाँ कोई डॉक्टर ढूंढो यार, कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। बोला हाँ हमने 9:30 बजे की बड़ौदा के बहुत ही अच्छे सर्जन की अपॉइंटमेंट ले ली है। आज इतवार है फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं आपके मतलब दोस्त को देखूंगा या चेक करूंगा। तो 9:30 बजे हम उनके यहाँ पहुंचे। उन्होंने सारा चेक किया और मुझे कहा कि सब ठीक है। तो मैं लगभग चिल्लाया, बोला सर ठीक नहीं है। जिसने ये टाके लिए वो डॉक्टर भी नहीं था, वहां अंधेरा भी था। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारे टाके खोल दीजिए और फिर से ले लीजिए, वरना मेरा मुंह टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा। तो उन्होंने फिर देखा और मुझे कहा कि नहीं, मैं करता तो भी ऐसा ही करता। तो मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ बहुत ही अच्छा किया है। और वो बोले कि ये जो टाके लिए हैं ना, ये विदेशी टाके हैं, इंपोर्टेड हैं। और जो हीरो हीरोइन लोग जब मुंह पे झुर्रियां पड़ती हैं तो जो ऑपरेशन कराते हैं उसमें जो टाके इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले टाके हैं। अब मेरे समझ में नहीं आए कि जहाँ लाइट भी ढंग से नहीं थी वहां ये टाके कहाँ से आए। ये मेरे सदगुरु की ही कृपा है। उसके बाद मैंने उनको कहा कि भाई ये कुछ गोलियां उन्होंने दी है कि ये आप गोलियां खाना। तो डॉक्टर बोले कि हाँ मैं भी यही गोलियां देता। और ठीक है भाई, वहीं से फिर हम निकल गए। क्योंकि मतलब ये हो गया कि रात को जो मेरी ट्रीटमेंट हुई थी वही सही थी। बात अगर इतने से ही इतनी ही रहती तो शायद मैं भूल जाता। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे मुझे पता चल गया कि मेरी जिंदगी मुझे सदगुरु अनिरुद्ध बापू ने ही दी है। मैं छुट्टी पे था, थोड़ा सा आराम करना चाहता था। तो मैंने मेरी जेब से सारी चीजें निकाल के मैंने दराज में, ड्रॉअर में रखने शुरू की। तो उस समय वो फोटो अनिरुद्ध बापू का मेरे हाथ में आया जिससे मैंने उस एक्सीडेंट वाली रात बात करी थी। तो मैंने ध्यान से देखा तो उस फोटो, बापू के फोटो पे खून के धब्बे लगे थे। तो मैंने सोचा कि वो जब खून बहा था, पूरा शर्ट लाल हो गया था तो शायद उसमें लगा होगा। तो मैं पानी से उसको धोने की मैं कोशिश कर रहा था लेकिन वो धब्बे जा नहीं रहे थे। अब फोटो भी पेपर का था तो मैं सोचा अरे फोटो बिगड़ जाएगा करके मैंने बोला ठीक है रहने दो। हुआ यूं कि जैसे दिन बीतते गए मेरे घाव भरते गए, मेरे जख्म अच्छे होते गए। और वो जो फोटो जो हमेशा मेरी जेब में ही रहता था, मैं देखता था कि उसका जो खून के जो धब्बे थे वो भी धीरे 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 कम होने लगे थे। और जब मैं संपूर्ण तरह से अच्छा हो गया, मेरे सारे घाव मिट गए, एक दिन मेरे अचानक ध्यान में आया कि वो जो फोटो पे खून के धब्बे थे वो सारे धब्बे चले गए थे और फोटो पहले जैसा हो गया था। मैं इसी में समझ गया कि जो मेरा प्रारब्ध था मेरे सद्गुरु ने अपने सर ले लिया और मेरी जान बख्श दी थी। मैं अनिरुद्ध बापू का सच सच ऋणी हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि अनिरुद्ध बापू मन सामर्थ्य दाता तो है ही, वो सर्व सामर्थ्य दाता है। उसकी चौखट पे जो आया वो कभी मायूस नहीं लौटता है।
ये मैंने खुद अनुभव किया है। हरिओम।